आज मैं आई हूँ हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी सलून में, जो कि है नागपुर में मनीष नगर वाली ब्रांच में आई हूँ मैं, जस्ट राम भंडार के ऑपोजिट में है ये। तो चलिए अंदर जाते हैं। नमस्ते, केम छो, मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लाई हूँ आपके लिए, और आज मैं आई हूँ हबीब सलून में, जो कि है नागपुर में मनीष नगर में। और आप देख सकते हो मैं आज पूरी चंपू बन के आई हूँ। मैं मेरा हेयर कट करवाने के लिए आई थी, और जहाँ पे बात हेयर कटिंग की आती है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सभी लोग हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कैसी कटिंग होने वाली है। बट अगर हम ब्रांडिंग पे जाए, अगर कोई भी हम ब्रांडेड स्टोर पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमको जो है वेल ट्रेंड प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेगी, उससे हमको काफ़ी ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप देख सकते हो मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब फीजी है और बहुत ही रफ भी हो गए हैं। तो मुझे ना फिलहाल में एक अच्छा सा कट चाहिए था, तो आज जो मेरा हेयर करने वाले हैं, पहले तो उनसे मिल लेते हैं। आपका नाम? हेलो मैम, सूरज मेरा। सूरज, तो आप जैसे देख सकते हो मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो मुझे ना एक तो लेंथ भी ज़्यादा कम नहीं चाहिए, और थोड़ा सा पफिनेस दिखे बालों में, ऐसे मुझे करनी चाहिए। आप चेयर पे बैठ जाइए, मैं सजेस्ट करके आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए। तो हबीब्स में ना आपको हेयर और ब्यूटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाएगी, मेकअप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए, पहले ना ये मेरे बालों को चेक कर रहे हैं, मेरे बालों की डेंसिटी, इसकी क्वालिटी, और उसके बाद ना इन्होंने मुझे एक हेयर कट सजेस्ट किया कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा मेरे बालों के हिसाब से। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है ना, वो है हेयर वॉश का। तो यहाँ पे जो है मेरे हेयर वॉश हो रहे हैं, और सारे ही ना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे हेयर और स्किन को देखते हुए। तो ये देखिए वॉशिंग का प्रोसेस है ये, उसके बाद कंडीशनर हुआ, और बहुत ही अच्छा ना हेड मसाज भी दिया, बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ मुझे। और उसके बाद ना ये हेयर कट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ पे हेयर जो है वो ड्राई हो रहे हैं, और इसके बाद ना बालों को अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो हेयर कटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। और हेयर कटिंग के बाद एक अच्छा सा क्रीम लगाया बालों में मेरे, और उसके बाद जो है ना ये बाल जो है हेयर्स जो है ड्राई कर रहे हैं, और ड्राई करके ना अच्छी तरीके से जो हेयर्स है उसको सेट भी किया, तो बहुत ही ना एक अच्छा सा लुक आता है बालों में। और अगर हमारे हेयर्स अच्छे से सेट रहते हैं ना, तो पूरा लुक ही हमारा चेंज हो जाता है। ये देखिए ये हेयर जो है ब्लो ड्राई हो रहे हैं, और सारे इक्विपमेंट्स ना बहुत अच्छे ब्रांडेड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, आप देख सकते हो। ये मेरा फाइनल लुक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिंपल सा हेयर कट लिया है मैंने, पीछे से मैंने यू कट और फ्रंट से थोड़ा सा स्लिट करवाया मैंने। ये देखिए इस तरीके से ये फाइनल लुक है, कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। और इसके बाद ना पूरा सलून का भी आपको टूर बताऊँगी मैं, आप देख सकते हो इस तरीके से ये हेयर वॉशिंग का एरिया है, मैनीक्योर पेडिक्योर भी यहाँ पे होता है, और ये सारे प्रोडक्ट्स है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और ये देखिए ये सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, और सलून इंटीरियर से भी ना अंदर से भी बहुत ही सुंदर है, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ पे मुझे विज़िट करके। आप भी ज़रूर से इनकी सर्विसेज जो है वो यूज़ करके देखिए, और यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज हैं, इनसे हम लोग बात भी करेंगे। मेंबर्स नॉन मेंबर्स के लिए भी अलग अलग पैकेजेस है, और आप अगर मेरे चैनल के थ्रू जा रहे हो ना, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं, और हबीब्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो ये मेरा लुक है, सिंपल है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और सच में आपने बहुत अच्छे से पूरा मेरा हेयर कट किया, तो थैंक यू सो मच। और मैंने ना यहाँ पे तो हेयर कट करवाया, बट यहाँ पे ना काफ़ी सारी अलग अलग सर्विसेज भी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैम से पूछते हैं। और एक स्पेशल ऑफर डॉली परमार के व्यूअर्स के लिए भी इन्होंने दिया, जैसे कि आज तो मैम मैंने हेयर कट करवाया, बट और यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हैं? हाँ, यहाँ बेसिक हेयर सर्विसेज से लेकर हेयर केमिकल सर्विसेज तक हेयर की सारी सर्विसेज अच्छा। अवेलेबल है हाँ। साथ में ब्यूटी की सर्विसेज भी अवेलेबल है, जैसे कि फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग एंड बेसिक सर्विसेज में थ्रेडिंग वगैरह है अच्छा। साथ में प्री ब्राइडल मेकअप्स वगैरह भी अवेलेबल। ओके, मतलब मेकअप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी टाइप्स के मेकअप्स। यस, और जैसे कि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हम सबको अच्छा भी दिखना है, तो फटाफट से आइए आप नागपुर के हबीब्स के सेंटर में, जो कि है मनीष नगर में। और मैंने ना यहाँ पे देखा, जैसे कि इसमें
मेंबर्स और नॉन मेंबर्स वाला सेक्शन है, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। यस श्योर। हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए हम मेंबरशिप कार्ड रखते हैं, उसका बेनिफिट ऐसा है कि उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा जिसका 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा। एंड साथ में उसका और एक बेनिफिट ऐसा है कि आप फैमिली में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर कर सकते हैं आपका मेंबरशिप कार्ड, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलता है और ऑल सर्विस। तो आप यहाँ पे आके ना मेंबरशिप कार्ड भी बना सकते हो, और उस कार्ड में जरूरी नहीं है कि मुझे यूज करना है, मेरी फैमिली से कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके। एंड साथ में ऑल ओवर पैन इंडिया हबीब्स के किसी भी आउटलेट में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि ईसी सेंटर में मुझे यूज करना है, कहीं भी हम ये जो मेंबरशिप कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप कार्ड लेना चाहते हैं उनका, तो ये भी ले सकते हो। तो डू विजिट हबीब्स जो कि है मनीष नगर में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे बाकी वीडियोस भी जाके चेक करिए। तब तक मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।